हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल कृषि किंग में मैं अजय कुमार हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इस समय क्या जो समय चल रहा है, इस समय कौन सी कलम विधि की बात करने वाला हूं आज मैं, तो कौन सी विधि ये कलम की जो है सबसे बेस्ट है और हम आम नागरिक भी यानी कि आम आदमी भी कोई भी व्यक्ति उसको अपना करके एक नए पादप का उस मात्र जो कलम होती है कलम समय से या हम नर्सरी से जो भी कोई पौधा लाते हैं उसी से हम उसी प्रजाति का उसी किस्म का उसी कलम के ऊपर ही हम दूसरा पौधा कैसे तैयार कर सकते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में घंटी के बटन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों हम बात करते हैं, जैसे कि मैं अमूमन बात करता हूँ अमरूद के पादप की, तो ये समय पहले तो समय की बात करते हैं, इस समय ज्यादा टेम्परेचर भी नहीं है और एक नॉर्मल जो सामान्य जो मौसम होता है, एक वातावरण होता है वो है। इस मौसम के अंतर्गत इस समय जो पादप की जो ग्रोथ होती है वो अच्छी होती है और प्रारंभिक कोई पादप होता है वो ज्यादातर इस मौसम में बसंत ऋतु के बाद में अच्छी ग्रोथ करता है, क्योंकि ये जो मौसम होता है, ये जो टेम्परेचर होता है, ये हर पौधे के लिए क्या होता है, अनुकूल होता है। अब बात करते हैं हम जो अमरूद का पेड़ है, जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया है कि अमरूद के पादप की आप कलम कैसे तैयार करें, तो सबसे पहले आपको जो आप एक ऐसे पौधे का चयन करें जिस पे आपको अच्छे सारे बहुत ज्यादा मात्रा में आपको फल की प्राप्ति हो रही हो, या फिर आप नर्सरी से कोई पौधा खरीद के लाए हो कलमी पादप है, आप उसी पादप को दो हिस्सों में बांट कर कैसे, मतलब एक पादप से दो पादप आप बना सकते हो और किस प्रकार से उन पर भी आप अच्छे फल प्राप्त कर सकते हो। क्योंकि हम मार्केट से कोई चीज लेके आते हैं तो वो चीज हमें महंगी पड़ती है, अमरूद का पौधे की अगर हम बात करें तो लगभग 100 रुपए के आसपास, इससे नीचे कोई भी अमरूद का पादप आपको नहीं मिलेगा। फल वाले पौधों की बात करें तो कोई भी पादप आपको 100 रुपए से नीचे नहीं मिलेगा, लेकिन अगर हम थोड़ी सी उसके लिए मेहनत कर ले तो हमें 100 रुपए में दो पादप भी प्राप्त हो सकते हैं, या हमारे पास बड़ा पादप है तो हम उसकी कलम विधि के द्वारा हम उसको उससे एक नया पादप का निर्माण कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं, वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं जो अमरूद का पौधा है, सबसे पहले टहनी की बात करते हैं, जो जितनी ज्यादा मोटी हो, आपने नया पादप लिया है तो उसकी पर संभावना थोड़ी कम होती है, लेकिन आपने नया पादप लिया है और उसकी जो तना है, जो स्टीम है, स्टीम की आकृति अगर अच्छी मोटी है तो उससे भी हम तैयार कर सकते हैं। तब बात करते हैं, सबसे पहली जो तना है वो अच्छा थोड़ा मोटा होना चाहिए। अब पहले मैं इसको आपको दो तरीकों से बताऊंगा, पहला तरीका क्या होगा, पहला तरीका ये होगा कि नॉर्मली जब से आप गमले के अंदर आपने पौधा लगा रखा है तो उसके अंदर किस प्रकार से तैयार करें, और दूसरी जो पादप है आपने पेड़ के जो बड़ा पेड़ है उसकी टहनी से कैसा नया पौधा तैयार करना है उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले गमले वाले पादप की बात करें तो गमले वाले पादप में अगर आपका जो तना है, जो आपके अंगूठा की जो शेप है, इस शेप की आकृति का हो तो आप उससे भी क्या कर सकते हैं, पौधा तैयार कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं सबसे पहले आपको करना क्या है, गमले वाले पादप के अंदर आपको जो बाहर का उसकी जो अधिस्तवचा होती है यानी कि जो बाहर की उसकी खाल होती है पादप के ऊपर, तो उसको आपको किसी भी जो पैनिनुकुली चीज होती है या किसी की सहायता से आप उसको उतार दें, और उसकी बाहर का आवरण उतारने के बाद में आपको सबसे पहले चारों तरफ से एक लगभग 5 इंच या 6 इंच का जो उसकी जो त्वचा है वो उतार के, और फिर उस पर आपको जो नॉर्मल अपना जो शहद होता है, हम जिसको दवाई वगैरह या खाने के लिए हम काम में लेते हैं, सबसे अच्छा तरीका है शहद लगा लें, और शहद लगाने के बाद में आप उसको किसी भी प्लास्टिक के ग्लास या बोतल की सहायता से बोतल उसके अंदर इस प्रकार से काट के उसको फोल्ड कर दें, जैसे कि ये तना है और इसके चारों तरफ बोतल या प्लास्टिक का कोई ग्लास है, आप उसको उसमें सेट कर लें, और इस तने के जो गिलास आपने डाला है उसके अंदर हमें क्या करना है, जो नारियल का जो भूसा आता है, नारियल का जो बाहरी कवर आता है वो डाल दें, क्योंकि वो सबसे बेस्ट होता है। या उसको डाल करके आप लगातार उसको वो करोगे, कंटिन्यू उसके अंदर पानी दोगे तो लगभग 45 दिन के बाद
45 से 50 60 70 दिन तक उसके अंदर क्या है जड़ निकल के अच्छी तरह जड़ों का फुटाव हो जाता है और आप उसको फिर जो गिलास है जहां से जड़ों का फुटाव किया है जहां से हमने नई कलम तैयार की है उससे आप उसको काट करके उससे नीचे की जो सतह है उससे नीचे से काट करके आप उसे दूसरी जगह प्रत्यारोपित कर सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे की, अगर बड़ा पादप है तो आपको उसमें क्या करना है, कोई भी जो मोटी शाखा है उसके अंदर हमें 20 शेप की उसकी जो आकृति है जैसे ये स्टीम है और स्टीम के अंदर हमें जो 20 शेप के अंदर उसकी कटिंग करनी है और इसके चारों तरफ आप जो आपके पास जो काली मिट्टी चिकनी मिट्टी होती है उसको अच्छी तरह से लेपन करके उसके प्लास्टिक की थैली या प्लास्टिक का कोई भी आपके पास डिब्बा वगैरह है वो उसके अंदर सेट कर दे और उसके ऊपर प्रतिदिन बूंद बूंद सिंचाई की तरह से उस पर बूंद बूंद पानी डालते रहें और लगभग एक महीने के बाद क्योंकि उसमें बड़ा पादप होता है ग्रोथ ज्यादा होती है तो उसमें लगभग 35 दिन के आसपास ही उसके अंदर जड़ें निकलने शुरू हो जाती हैं और लगभग आप डेढ़ महीने के बाद आराम से उसको ट्रांसफर कर सकते हैं कहीं दूसरी जगह और उसी ही प्रकार एक पादप से आप कई पादप बना सकते हैं जिसे आपने बाग बगीचे हम तैयार करते हैं उसमें कम से कम हमारा जो इन्वेस्टमेंट होता है जो पैसे लगाने की जो लागत आती है वो कम से कम होती है और हमें ज्यादा मात्रा में हमें पादप प्राप्त हो जाते हैं। थोड़ा सा अगर हम स्टार्ट में कोई काम करते हैं तो थोड़ी सी मुश्किलें आती हैं, हमें क्या पता हमारे एक दो पादप एक दो परियों फैल भी हो जाए लेकिन हम लगातार करेंगे तो हमारे को जो सफलता है वो निश्चित मिलेगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि मोशन पहली बात यह है कि इस समय हम कलम की कटिंग करके उस पर इस प्रकार की जो प्रक्रिया अपनाएंगे तो लगभग 45 दिन बाद 50 दिन बाद 60 दिन बाद क्योंकि अभी हम शुरुआत करने वाले नहीं है लगभग तो फिर बारिश का मौसम में हम उसको अच्छी तरह से ट्रांसफर कर सकते हैं तो जिससे क्या होगा कि बारिश के मौसम में हमारे को जो नया पादप है जो हमने तैयार किया है बिना किसी पैसे के तो वो पादप हम उस कलम को हम अच्छी तरह से हम दूसरी जगह मिट्टी के अंदर या गमले के अंदर हम अच्छी तरह से ट्रांसफर कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ में घंटी के बटन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिएगा।